हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आरपीएफ भर्ती 2018 के लिए बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे थे, तो इसका आज नोटिफिकेशन आ ही गया है और इसमें आपकी कांस्टेबल और एसआई की वैकेंसी होगी, जिसमें 9700 प्लस वैकेंसी है। कुल मिला के 9739 वैकेंसी है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, जो भी दोस्त पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, यहाँ पे आपकी पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी आरपीएफ की, जिसमें आपको मैथ की वीडियो मिलेगी 11 से 12 के बीच में दिन में, और रीजनिंग की वीडियो आपको शाम के टाइम मिलेगी 6 से 8। लाइव टेस्ट आपका चलता है 10 बजे। देखिए, सीबीटी आपका टेस्ट होगा, ऑनलाइन होगा, तो उसके लिए मैंने ऑनलाइन टेस्ट की भी सुविधा अपने चैनल पे स्टार्ट कर रखी है और ये डेली 10 बजे चलती है, जिसमें आपकी जीके, करंट अफेयर, साइंस के क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप चाहते हैं सभी वीडियोज़ लेना, तो नीचे आपको एक रेड कलर बटन दिखाई दे रहा होगा सब्सक्राइब का, इसको दबा करके इस बेल आइकन को ध्यान से ऑन कर लीजिएगा। उसके बाद आपके पास लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पहुँचने स्टार्ट हो जाएंगे, जो भी मैंने अभी टाइम यहाँ पर बताया है। तो चलिए नोटिफिकेशन को देख लेते हैं, उसमें पूरी जानकारी मैं देने वाला हूँ, वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में, क्योंकि बहुत कम बच्चों को पता है कि आज नोटिफिकेशन आ गया है। ये देखिए, नोटिफिकेशन जारी किया गया भारतीय सरकार रेलवे मंत्रालय रोजगार सूचना के अंतर्गत। मैं कभी भी कोई फेक न्यूज़ नहीं प्रोवाइड कराता हूँ, बिल्कुल सटीक इन्फॉर्मेशन है। आपका जो फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे 1/6/2018 से फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। और देखिए, सबसे पहले मैं वेतन बता देता हूँ, क्योंकि वेतन की बहुत ज़्यादा इच्छा रखते हैं बच्चे की, जब भी कोई फॉर्म भरते हैं कि हमें पता चले कि इसमें सैलरी कितनी मिलेगी। तो 21,700 इसमें सातवें वेतन के अकॉर्डिंग इसमें आपको 21,700 रुपये मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे आपके 1/6/2018 से, और लास्ट डेट रहेगी 30/6/2018, यानी कि पूरा एक महीना फॉर्म भरे जाएंगे। पर जब भी फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे, आपको पहले ही टाइम पे भर देने हैं। इसमें जो आपकी परीक्षा की तिथि भी अभी बता दी गई है, तिथि नहीं बताई है, मंथ बता दिया, सितंबर अक्टूबर में आपके ये पेपर हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें फ़ीस का जो है 250 रुपये रखी गई, जो कि आपके रिफंडेबल है, जो कि बाद में आपको रिफंड हो जाएंगे अगर आप सीबीटी टेस्ट, यानी कि जो कंप्यूटर टेस्ट होगा आपका, पेपर दे के आएंगे तो आपको बैंक में रिफंड भी हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर बात की जाए एज की, तो एज इसमें 18 से 25 रखी गई है, 18 से 25 तक का कैंडिडेट इसको फिल कर सकता है। आपका जो पेपर होगा वो ऑनलाइन होगा, सीबीटी होगा, ठीक है। जैसे आपका अभी देखिए, मैं पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी ग्रुप डी, एएलपी और टेक्नीशियन वालों की जो करा रहा हूँ, बिल्कुल आपके एग्जाम के पैटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से करा रहा हूँ। अब इसकी आरपीएफ की हमारे यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। आरपीएफ की भी आपकी ऐसे ही चलेगी जैसे मैंने इनकी सबकी कराई है, और देख लेते हैं। तो इसमें आपका यह है कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी सभी जोनल रेलवे और आरपीएसएफ के लिए एक साथ आयोजित की जाएगी, तो एक साथ ही आपकी सारी परीक्षा होंगी। योग्यता की बात कर लेते हैं, इसमें आपकी 10वीं पास, देखिए अभी मैं कांस्टेबल की बात कर रहा हूँ, ऐसा है कि नहीं कर रहा हूँ, तो कांस्टेबल में आपकी 10th पास आपको चाहिएगा इसमें एलिजिबिलिटी, और एज मैंने आपको बताई दी 18 से 25 चाहिएगी, ठीक है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात कर लेते हैं, यानी कि आपकी शारीरिक मापन की बात कर लेते हैं, तो पुरुष के लिए इसमें 165 सेंटीमीटर की आपकी हाइट चाहिएगी, और फीमेल के लिए आपकी 150 सेंटीमीटर की हाइट चाहिएगी, और एससी एसटी वालों के लिए 160 सेंटीमीटर, और महिलाओं के लिए जो एससी एसटी में आएंगी उनके लिए 152 सेंटीमीटर चाहिएगी। और जो आपकी गढ़वाली, गोरखा, मराठा, डोगरा, इन सभी के लिए आप देख लीजिएगा 163 और 155 महिलाओं के लिए चाहिएगी, ठीक है। अगर इसमें छाती की बात की जाए, यानी कि आपका चेस्ट की बात की जाए, तो चेस्ट जो पुरुष के लिए है ये सिर्फ, ठीक है, इसमें 80 सेंटीमीटर की आपकी चेस्ट होनी चाहिए, उसमें 5 सेंटीमीटर का आपका फुलाव होके 85 सेंटीमीटर की हो जानी चाहिए, और एससी एसटी वालों के लिए 176.2 और फुलाव के बाद 81.2 होनी चाहिए, और जो ये हैं आपके गढ़वाली, गोरखा, इनके लिए 80 आपकी होनी चाहिए, मतलब विदाउट एनी फुलाव, और फुलाव होने के बाद में 85 हो जानी चाहिए, ठीक है। देखिए, परीक्षा शुल्क की जो मैंने ऊपर आपको 250 रुपये बताए थे, वो सिर्फ एससी एसटी वालों के लिए है, ठीक है। एससी एसटी वालों के लिए 250 रुपये है, और जो ओबीसी और आपका जनरल वाले हैं उनके लिए आपके 500 रुपये शुल्क रहेगा। इसमें एग्जामिनेशन फॉर्म फीस जो भरी जाएगी उसमें रहेगा 500 रुपये, जिसमें से आपके 400 रुपये रिफंडेबल होंगे, ठीक है। जब आप एग्ज़ाम दे के आएंगे उसके बाद जो एग्ज़ाम देगा सिर्फ रिफंड उसके होंगे, तो उसमें से आपके 100 रुपये काट के 400 रुपये वापस कर दिए जाएंगे, और इसमें पूरे के पूरे 250 के 250 वापस कर दिए जाएंगे एससी एसटी और भूतपूर्व सैनिक और ये अल्पसंख्यक जितने भी हैं, ठीक है।
तो इनका ये आपका हो गया परीक्षा शुल्क की बात। अगर बात की जाए परीक्षा की, तो इसमें आपकी 90 मिनट मिलेंगी जिसमें आपके 120 प्रश्न होंगे, ठीक है, और जिसमें से आपके 50 अंक सामान्य ज्ञान से होंगे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, सामान्य ज्ञान के आपके 50 अंक होंगे और मैथ में आपके 35 अंक मैथ में से आएंगे। और इसका पूरा सिलेबस ये है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इसकी सेपरेट वीडियो चाहिए नोट इसकी सब कुछ, तो आप मुझे बता दीजिएगा। और जो आपका सामान्य बुद्धि यानी कि रीजनिंग के भी 35% रहेंगे, ठीक है। तो तीन सब्जेक्ट इसमें होंगे, तो ये होगी आपकी पूरी एग्ज़ाम की बात। 90 मिनट का होगा जिसमें 120 पर्सन होंगे, 50 तो आपके जीके के होंगे, 35 आपके मैथ से और 35 ही आपके रीजनिंग से होंगे। बात कर ली जाए फिजिकल दौड़ भाग की आपकी, तो इसमें देखिए कांस्टेबल पुरुष के लिए 5 मिनट 45 सेकंड मिलेगी 1600 मीटर रेस के लिए, ठीक है, 1600 के लिए 5 मिनट 45 सेकंड मिलेगी। फीमेल के लिए जो आपका फीमेल के लिए मिलेगी 800 मीटर के 3 मिनट 40 सेकंड, ठीक है। और इसमें जो आपकी लंबी कूद है वो 14 फीट है मेल के लिए, ठीक है, पुरुष के लिए, और ऊंची कूद है 4 फीट पुरुष के लिए। अब बात कर लेते हैं महिला की, तो महिला के लिए 9 फीट है आपकी लंबी कूद और 3 फीट है ऊंची कूद। ये आपका पूरा हो गया, और बाकी आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं इसको पूरा डिटेल में, वो मैंने आपको वहाँ पे शॉर्ट में बता दिया। और देखिए इसे पूरा शेयर करिएगा आज वीडियो को। और देखिए सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं बच्चे कि फ़ोटो में करते हैं, फ़ोटो का जो बैकग्राउंड होता है उसको बहुत डार्क वाला, मतलब फ़ोटो जो आपके पास होगा उसको नहीं लगाना है। इसमें लिखा है यहाँ पे सफ़ेद या हल्के रंग का बैकग्राउंड होना चाहिए, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है अपना, सफ़ेद हो या फिर हल्के बैकग्राउंड का फ़ोटो ही लगाना है। अदरवाइज़ फिर बाद में वो रिजेक्ट होने के चांसेस होते हैं, अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, फिर बाद में बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि आपने पहले नहीं बताया था, ठीक है। और जो आपका आकार होना चाहिए फ़ोटो का, वैसे वो जो जहाँ पे भी आप साइबर कैफे वाले से भरवाएंगे 35 mm और इंटू 45 mm का होना चाहिए, ठीक है। ये आपका फ़ोटो का हो गया, बाकी बहुत लंबा ये नोटिफिकेशन है। और देखिए यहाँ पे एक चीज़ और बोली गई है, जो भी फ़ोटो आप उसमें लगाएंगे, ठीक है, जो भी ऑनलाइन फॉर्म भरते टाइम आप फ़ोटो लगाएं, उसकी 12 फ़ोटो आपके पास रहनी चाहिए कम से कम, ठीक है, 12 फ़ोटो उसी टाइप की आपके पास होनी चाहिए। ये चीज़ भी इन्होंने साफ साफ नोटिफिकेशन में बोली है, ठीक है। देखिए एक चीज़ और यहाँ पे बोली गई है, अगर आपके फॉर्म में किसी तरीके से कोई गलती हो जाती है तो आप उसको 2 बार चेंज कर सकते हैं, ठीक है, उसमें आपके 250 रुपये कटेंगे, यानी कि 250 रुपये आपको देने पड़ेंगे इसके लिए। ये भी आपका यहाँ पे इसमें दिया गया है नोटिफिकेशन में। देखिए अब बात कर लेते हैं सब इंस्पेक्टर के बारे में, तो इसमें आपका वेतन जो है वो 35,400 मिलेगा, ठीक है, ये आपका वेतन हो गया। फॉर्म भरने की तिथि आपकी वही रहेगी 1/6/2018 से 30/6/2018 तक भरे जाएंगे आपके फॉर्म। और जो एग्ज़ाम की ये डेट आपकी यहाँ पे बताई गई है, सितंबर अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम होने के ये संभाविक है, ये मतलब पूरा करेक्ट नहीं है, इसके बाद चेंज भी हो सकते हैं, तो इसको बिल्कुल 100% मान के नहीं चलना है। बाकी डेट इन्होंने बताई है नोटिफिकेशन में, तो ये मैंने आपको बता दी है। देखिए दोस्तों इसमें अगर बात की जाए आपकी SI वाली में, तो इसमें आपको देखिए ग्रेजुएट होना पड़े, मतलब इसमें ग्रेजुएशन की कोई भी डिग्री आपकी चल जाएगी, स्नातक आप होने चाहिए किसी भी विश्वविद्यालय से। और एज की बात की जाए तो आपकी 20 से 25 तक का कैंडिडेट इसको भर सकता है SI की पोस्ट के लिए। 20 से 25 आपकी एज रखी गई है और ग्रेजुएशन आपकी क्वालिफिकेशन रखी गई है, तो ये भी इसमें आपका नोटिफिकेशन में दिया गया है। बाकी आपकी जो शारीरिक मापन है वो भी बिल्कुल सेम है जो कांस्टेबल में था, 165 हाइट है, 157 महिलाओं के लिए है, और जो चेस्ट है वो 80-85 है OBC और जनरल वालों के लिए, ठीक है, और अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए। और यहाँ पे SC ST वालों के लिए है 160 हाइट है, 152 आपकी फीमेल के लिए है, और चेस्ट मेल के लिए ये है आपकी, देख लीजिएगा आप, 76.2 और 81.2 फुलाव के बाद हो जानी चाहिए। और जो गढ़वाली गोरखा मराठा डोगरा और ये है आपके सारे, तो इनमें आपकी 163 हाइट है मेल के लिए और 155 फीमेल के लिए, चेस्ट है मेल के लिए 80 और 85 आपकी होनी चाहिए। तो ये हो गया आपका शारीरिक मापन SI के लिए, बिल्कुल सेम है। बाकी अगर इसमें बात की जाए आपकी, देखिए SC ST वालों के लिए 5 साल की छूट है, और OBC क्रीमी लेयर के लिए, नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल की छूट है, और बाकी इसमें 3 साल की छूट है अनारक्षित के लिए, और आपकी जो भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए 6 साल की है। और ये आप देख लीजिएगा, बहुत सारा इसमें दे रखा है डाटा,
आप पढ़ के देख लीजिएगा, जो भी आपका लगे कि मेरे लिए है ये, ठीक है। बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, पूरा पढ़ के बताना आपको संभव नहीं है। अगर आप चाहें तो इसका एक काम कर सकते हैं, इसकी PDF ले सकते हैं आप मेरे से, उसके लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे लिंक दे रखा है मैंने कमेंट बॉक्स में भी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। वहाँ से अगर टेलीग्राम ज्वाइन कर लेते हैं, वहाँ पे मैं अभी ये दोनों PDF अपलोड कर दूंगा, तो उनको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। फ़ीस की अगर बात की जाए तो इसमें 500 रुपये फ़ीस है, ठीक है, जनरल और OBC वालों के लिए, और जिसमें से 400 रुपये आपकी रिफंडेबल हो जाएगी और 250 रुपये SC ST वालों के लिए, जो कि 250 के 250 आपकी रिफंडेबल हो जाएगी। इसमें कंडीशन रखी गई है, अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो तभी इसके बाद ही आपकी ये रिटर्न होगी फ़ीस, अदरवाइज़ नहीं होंगी। दौड़ भाग की अगर बात की जाए तो इसमें 6 मिनट 30 सेकेंड दी गई है 1600 मीटर में को पूरा करने के लिए SI वालों के लिए, ठीक है, जो सब इंस्पेक्टर के लिए इस भरेंगे उन्हें 1600 मीटर दौड़ आपको 6 मिनट 30 सेकंड में पूरी करनी होगी। और फीमेल के लिए, ये मेल के लिए, ये फीमेल के लिए 800 मीटर जो रनिंग होगी वो 4 मिनट में पूरी करनी होगी। लंबी कूद आपकी मेल के लिए है 12 फीट और ऊंची कूद है 3 फीट 9 इंच, ठीक है, ये सभी मेल के लिए है, पुरुषों के लिए है। और फीमेल की बात की जाए लंबी कूद की, तो 9 फीट है आपकी लंबी कूद और ऊंची कूद है 3 फीट आपकी, ठीक है। तो ये पूरा डाटा था, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मैक्सिमम शेयर करिएगा जितना आपके दोस्तों को कर सकते हैं आप, ठीक है, फेसबुक व्हाट्सएप पे जहाँ पे भी आप शेयर कर सकते हैं। बाकी पूरा नोटिफिकेशन मैंने आपको जितनी भी मेन मेन बातें थी वो सारी कवर कर दी हैं। कोई अगर डाटा छूट गया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम है तो वहाँ पे भी मैं आपको बता दूंगा, या फिर कोई दूसरी वीडियो बना दूंगा अगर कोई ज़्यादा ही मेन चीज़ इसमें रह गई होगी, ठीक है। नोटिफिकेशन बहुत बड़ा था, मैंने कोशिश की है कि पूरा कवर कर लूँ आपको का नोटिफिकेशन इस पूरी वीडियो में। तो प्लीज़ इसे वीडियो को लाइक भी करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में। अगर आप अभी तक चैनल के साथ में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे पूरी प्रिपरेशन आपकी कराई जाएगी। वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।